बनाई, उसका नाम रखा मैंने फॉर्मिंग और उसका नाम रख दिया सेवन। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ SRC में, कंपोनेंट्स में, और मेरा वेदर का जो कंपोनेंट था मैं उसके अंदर आ जाता हूँ। बाकी चीज़ें मैंने बंद कर दी हैं और टर्मिनल में जाके इसको अगर मैं रन भी कर लेता हूँ, मैंने कहा कि भाई साहब CD4 रिएक्ट, उसके बाद CD7 फॉर्मिक और NPM स्टार्ट, ताकि ये स्क्रीन पे रन होके भी आ जाए कि क्या अभी तक हुआ हुआ है इसके अंदर। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इस तरह की चीज़ बना ली थी, ठीक है, राउटर लगा लिया था, होम, अबाउट, गैलरी और वेदर। तो वेदर के ऊपर हम खड़े हुए हैं इस वक्त, और वेदर पे हमारे पास क्या मौजूद है, एक अदद फॉर्म मौजूद है। अच्छा, ये फॉर्म जो है वो HTML वाला जो तरीका था फॉर्म का, उसी पे ये बना हुआ है। बावजूद इसके कि वो जो फॉर्म का टैग हमने इस्तेमाल किया है इसमें, वो HTML नहीं है, ये बात हम जानते हैं, हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि वो देखने में तो HTML की तरह लग रहा है हमें, लेकिन ये फॉर्म दरअसल HTML नहीं है। दिस इज़ JSX, और ये जो फॉर्म है दिस इज़ कंपोनेंट। ये क्या है, ये टैग नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है HTML का, ये कंपोनेंट है ये। और कौन सा कंपोनेंट है ये, रिएक्ट का बिल्ट इन कंपोनेंट है, जो हमने नहीं बनाया, जो पहले से रिएक्ट के अंदर मौजूद है। और इसका लुक और फील और बिहेवियर वो फॉर्म की तरह ही है, जो HTML में जो फॉर्म होता था बिल्कुल सेम वही है, लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्म है नहीं, ठीक है। पीछे ये बनाता भी फॉर्म का ही टैग है, लेकिन ये फॉर्म है नहीं, ये रिएक्ट का बिल्ट इन कंपोनेंट है। अच्छा, तो इसकी जगह हम यूज़ करने जा रहे हैं फॉर्मिक। तो फॉर्मिक के द्वारा हम चले जाते हैं वेबसाइट पर। ये आ गया जी जनाब हमारा फॉर्मिक। गेट स्टार्टेड का मैंने बटन दबा दिया। गेट स्टार्टेड का बटन दबाने के बाद ये आ गया जी इसको इंस्टॉल करने का यहाँ पे तरीका, NPM इंस्टॉल फॉर्मिक और माइनस माइनस सेव। अच्छा, माइनस माइनस सेव ना ये पहले लगाना ज़रूरी होता था, अब हम ना भी लगाए ना माइनस माइनस सेव तो कोई मसला नहीं है ना, लेकिन चलो इन्होंने ऐसे दिया तो मैंने ऐसे ही कमांड को रन कर दिया। माइनस माइनस सेव लगाना अब ऑप्शनल है, जो नए वाले Node.js में अभी ऑप्शनल है, हम लगाएं या ना लगाएं। असल में माइनस माइनस सेव से होता क्या था कि ये जो पैकेज डॉट जेसन की फाइल है ना, इसके अंदर इसको सेव कर दिया जाता था। देखो फॉर्मिक यहाँ पे सेव हो गया एज अ डिपेंडेंसी। तो पहले क्या होता था, अगर मैं माइनस माइनस सेव नहीं लगाऊँ तो ज़्यादा सेव नहीं होता था, ठीक है, जिससे काफ़ी बैड एक्सपीरियंस होता था। माइनस माइनस सेव कभी लगाना भूल जाते थे, लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती थी, फिर वो कोड पुश कर दिया गिटहब में। अच्छा, बाद में जब क्लोन करते थे तो वो इधर होता ही नहीं था सेव हुआ हुआ। NPM इंस्टॉल करके जब प्रोजेक्ट रन करते थे, वो एक लाइब्रेरी मिसिंग है, तो फिर अब उसको ढूंढना पड़ता था, अच्छा भाई कौन सी लाइब्रेरी मिसिंग है। तो ऐसे करके ना फिर कहानी आगे बढ़ती थी। तो इन्होंने बोला कि यार माइनस माइनस सेव तो हर दफ़ा ही लगाते हैं ना आप, तो एक काम करते हैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं कि भाई आप लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है, सेव बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेहतर हो गया थोड़ा एक्सपीरियंस, तो माइनस माइनस सेव अब लगाना क्या हो चुका है, ऑप्शनल हो चुका है। तो मैंने सेव कर लिया, ठीक है। ये हुक जो था, क्योंकि ये थर्ड पार्टी हुक है, अभी तक जो हमने हुक इस्तेमाल किए हैं वो रिएक्ट के अपने हुक थे, यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट, ये दो हुक अभी तक हम इस्तेमाल कर चुके हैं। हुक किस चीज़ को कहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो UI से, जो कंपोनेंट के रेंडर से ये हुक हुआ हुआ होता है, ठीक है। हुक में चेंजेस आएंगी, कंपोनेंट री रेंडर होगा, या कंपोनेंट री रेंडर होगा तो हुक चलेगा, यानी किसी ना किसी सूरत में वो UI से, यूज़र जो प्रिंट हुआ है स्क्रीन पे उससे वो कनेक्टेड है, JSX से वो कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे यूज़ स्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि यूज़ स्टेट में जब भी चेंज आता है तो कंपोनेंट को री रेंडर किया जाता है, ठीक है। यूज़ स्टेट का जो वेरिएबल होता है, जो जिसको हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं, उसमें जब भी कोई चेंज आता है, ठीक है, सेट करके मैंने उसको चेंज किया, तो UI को दोबारा से रेंडर किया जाता है, ठीक है। तो इस ये हुक हुआ है यू। अच्छा, ऑन अदर हैंड यूज़ इफेक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, यूज़ इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो मेरा जो UI री रेंडर होता है, री रेंडर होने के बाद वो चलता है, ठीक है। UI रेंडर को देख रहा होता है, जैसे ही UI रेंडर होगी वो चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें भी डिपेंडेंसी आ रहे होता है कि भाई कोई स्टेट वेरिएबल चेंज होगा तो वो इफेक्ट दोबारा चलेगा, और वो इफेक्ट दोबारा चल के UI को री रेंडर कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी ना किसी फॉर्म में। तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं हुक। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे UI का कोई लेना देना नहीं है, तो दैट इज़ नॉट अ हुक इन रिएक्ट। अच्छा, रिएक्ट वालों ने हुक बनाने का जो मतलब तरीका है वो पब्लिक किया हुआ है, पब्लिक API दी हुई है कि भाई कोई भी अपना हुक बना के ना पब्लिश कर सकता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए फॉर्मिक और बहुत सारी दूसरी कंपनीज़ ने अपने अपने कस्टम हुक बना के रखे हुए हैं, या जिसको हम थर्ड पार्टी हुक्स कहते हैं।
फायदा क्या? इनका फायदा ये क्या, अभी आप देख लेंगे क्या फायदा है। जी हाँ, क्या मतलब? पास नहीं नहीं, लाइब्रेरी है ना ये, काइंड ऑफ लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी होते हैं बहुत सारे फंक्शन को जब आप एक जगह कर देते हैं लाइब्रेरी बन गई। तो ये लाइब्रेरी जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो पूरा डब्बा जो है ना, फंक्शन का भरा हुआ डब्बा, वो आपके पास आ जाता है, नॉट मॉड्यूल में आके सेव हो जाता है। जो फंक्शन का भरा हुआ डब्बा है ना, लाइब्रेरी क्या है? एक डब्बा है जिसमें फंक्शन भरे हुए हैं सारे, वो डब्बा पूरा उठ के आपके पास आ जाता है नॉट मॉड्यूल के अंदर। वो फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो वो फंक्शन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उनको क्या पता चलेगा? मिसाल के तौर पे मैंने कोई फाइल तुम्हें जिप करके भेज दी ब्लूटूथ से, अब उस फाइल को जब तुम ओपन करके रीड करोगे तो मुझे क्या पता चलेगा? समझ रहे हो? मैंने कोई फाइल जिप करके तुम्हें गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया, कुछ भी दे दिया, तुमने वहाँ से जिप फाइल डाउनलोड कर ली। अब तुम जब उस फाइल को खोल के यूज़ करोगे, देखोगे, वीडियो चलाओगे, जो भी चीज़ मैंने भेजी है तुम्हें, तो मुझे थोड़ी पता चलेगा। तो इसी तरह लाइब्रेरी जब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पास, और जब मैं उसको यूज़ करता हूँ, तो जिसने बनाई है लाइब्रेरी उसको नहीं पता चलता, क्योंकि वो तो फंक्शन मेरे पास पूरे उठ के आ चुके हैं। ठीक है, तुमने क्या सवाल पूछा था? हाँ, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या हम अपने हुक भी बना सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, जैसे फॉर्मिक ने हुक बनाया हुआ, इसी तरह हम अपने भी हुक बना सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितने भी डेली जो आप यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है ना, उसके हुक्स पहले से बने हुए हैं। हाँ, लेकिन जस्ट इन केस, जैसे NPM की लाइब्रेरी आज तक आपने नहीं लिखी, ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस चीज़ के लिए लाइब्रेरी चाहिए होती है पहले से मौजूद है, तो हुक्स भी सारे पहले से मौजूद हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप चाहें तो बना सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, ओपन सोर्स है ना ये। नहीं, बाय द वे ये इनका अर्निंग मॉडल होता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फ्री में कर रहे होते हैं, लेकिन वो मैं नहीं बता सकता आपको, ये कोई आपको MBA वाला बंदा बताएगा कि कैसे पैसे कमा रहे हैं, मोनेटाइज कैसे किया हुआ है इन्होंने। लाइब्रेरी तो फ्री है, तो मोनेटाइजेशन का तरीका क्या है, फिर पैसे किधर से आ रहे हैं? तो वो इनको पता होगा कि कैसे कर रहे हैं। एंटरप्राइज वालों को शायद पैसे में बेच रहे हैं, देखो ना, एंटरप्राइज अलग बना हुआ है, कॉन्टैक्ट सेल्स, एंटरप्राइज वालों को ये अलग से बेच रहे हैं, कुछ एडिशनल फीचर दे रहे होंगे उनको, मे बी। ठीक है, अच्छा, पहले इंस्टॉल कर लिया मैंने, इंस्टॉल करने के बाद मैंने क्या किया, ये हो गया जनाब हमारा इसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो सबसे पहले इस्तेमाल करने के तरीके में क्या चीज़ शामिल है कि भाई आपने फॉर्मिक को कर लेना है इम्पोर्ट। सही है, फॉर्मिक को कर लिया हमने इम्पोर्ट, आसान है अभी तक, मुश्किल तो नहीं है। इंस्टॉल किया, इम्पोर्ट किया, और आगे आ जाते हैं। ये क्या चीज़ है, एक कंपोनेंट है, कैपिटल से इसका नाम शुरू है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, JSX। तो इसका मतलब है ये क्या चीज़ है, ये कंपोनेंट है। अच्छा, अब कंपोनेंट के अंदर आप देखें, फॉर्मिक को ना एज अ कंपोनेंट इन्होंने रेंडर किया हुआ है, देख रहे हैं, फॉर्मिक को एज अ कंपोनेंट इन्होंने रेंडर किया हुआ है। तो ये फॉर्मिक का पूरा कंपोनेंट क्या करता हूँ मैं, यहाँ से उठा लेता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है, जैसा मैंने लास्ट टाइम देखा था वैसा नहीं लग रहा मुझे, ऐसा क्यों है भला? एक मिनट यार, एग्जांपल में चले जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल में चला गया। हाँ, ये है वो जो मैंने पहले देखा हुआ था, असल में पता नहीं गेटिंग स्टार्टेड में क्या लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो ये है वो फंक्शन। अच्छा, अब देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, फॉर्मिक का जो कंपोनेंट है ना पूरा का पूरा, वो क्या किया हुआ है, रेंडर किया हुआ है। तो मैं भी ये क्या करता हूँ, पूरा फॉर्मिक का कंपोनेंट यहाँ से कट कर लेता हूँ मैं, और कट करके इसको अपने कोड में ले आता हूँ। ठीक है, तो हमारा फॉर्म जो था उसको मैंने क्या कर दिया, कॉमेंट कर दिया, और इनका जो फॉर्मिक का जो पूरा था ना कंपोनेंट, वो मैंने यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। राइट, कोई मुश्किल नहीं है अभी तक, आसान चल रहा है सब कुछ। ठीक है, ये फॉर्मिक यहाँ से शुरू है और ये नीचे ख़त्म है। अच्छा, फॉर्मिक के अंदर यहाँ पे एक फॉर्म नाम की चीज़ भी रेंडर हुई हुई है, जिस पे नीचे ये लाल कलर की लकीर बना के दे रहा है, कह रहा फॉर्म, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। सही है, तो वापस आते हैं,
इन्होंने यहाँ पे देखे फॉर्मिक के साथ फील्ड और फॉर्म को भी इम्पोर्ट किया हुआ है, तो हम भी कर लेते हैं। मतलब ये तीनों चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? फॉर्मिक से ही आ रही है मेरे पास, ठीक है। अब वो एरर आना बंद हो गया, राइट। अच्छा, अब क्या हुआ, आगे चलते हैं थोड़ा थोड़ा करके। फॉर्मिक पे कोई एरर नहीं है, स्पेलिंग का एरर है, वो स्पेलिंग का एरर है। हाँ, अच्छा, अब देखो क्या होता जा रहा है यहाँ पर। आहिस्ता आहिस्ता, सबसे पहले हमने देखा कि फॉर्मिक का एक टैग बना हुआ है, उसके अंदर फॉर्म बना हुआ है और उसके अंदर लेबल और फील्ड्स बनी हुई है। लेबल जो है वो वही वाला लेबल है जो सिमेंटिक टैग हुआ करता था ना, लेबल और HTML फॉर ऐसे करके, और नीचे ID लगाई हुई है, तो मतलब ऐसे लेबल फॉर दिस, ताकि पता चले कि ये जो इनपुट बॉक्सेस का लेबल किया है ये ऊपर इसके साथ लगा हुआ है। अच्छा, मेरे केस में मुझे क्या चाहिए, सिटी नेम। अच्छा, पहले लेकिन ऐसे ही समझा देता हूँ ये हो क्या रहा है। देखो, एक इसमें इनिशियल वैल्यू इन्होंने पास की हुई है। इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या है कि जब फॉर्म स्क्रीन पे रेंडर होगा तो फर्स्ट नेम की जगह पे क्या लिखा हुआ आ रहा हो पहले से। मैंने कहा फर्स्ट नेम की जगह पे ऐसे मलिक लिखा हुआ नज़र आए। अच्छा, ये फर्स्ट नेम क्या चीज़ है, इसका जो ये नेम है, हर फील्ड के साथ देखो एक नेम की वैल्यू आई हुई है यहाँ पे, ये नेम से मैच कर रहा है, आईडी से मैच नहीं कर रहा, नेम से कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम हो गया, ये लास्ट नेम हो गया, ये ईमेल हो गया, तीन फील्ड्स हैं और तीनों का नाम है, ठीक है। इसका नेम देखो ईमेल लिखा हुआ है, नेम, तो तीन फील्ड्स हैं। अच्छा, हर फील्ड के अंदर आईडी है, प्लेस होल्डर है और नेम है। उसके अलावा जो जो इनपुट के अंदर हो सकता है वो सब भी इसमें हो सकता है। मिसाल के तौर पर प्लेस होल्डर, मिसाल के तौर पर टाइप ईमेल। अच्छा, टाइप इसने कुछ नहीं डाली तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है, HTML में भी ऐसे ही होता है, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो ये तीन फील्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, और एक लास्ट में बटन है जिसकी टाइप है सबमिट, ठीक है, जिसकी टाइप सबमिट है। अच्छा, अब गौर करो यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू तो हो गया कि भाई जो लिखेंगे वो पहले से स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा, इसको देख लेते हैं वाकई में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखो, फर्स्ट नेम के अंदर मलिक लिखा हुआ रहा है, लास्ट नेम के अंदर खाली है और ईमेल के अंदर खाली है, सही है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मलिक पहले से लिखा हुआ रहा है इसके अंदर। अच्छा, अब देखो, इसके बाद एक प्रॉप इसको और पास किया हुआ है, ऑन सबमिट। ये फॉर्मिक क्या है, कंपोनेंट है, इसको प्रॉप, पहला प्रॉप पास किया इनिशियल वैल्यू, दूसरा प्रॉप पास किया ऑन सबमिट। अच्छा, ऑन सबमिट के ऊपर जो है ना आपको क्या मिलता है, आपको मिलती हैं वैल्यूज़। और ये वैल्यूज़ क्या है, ये वैल्यूज़ यही वाला इनिशियल जो आपने दिया था ना, इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको मैं क्या करवा देता हूँ, स्क्रीन पे इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। इन्होंने तो खैर एसिंक वेसिंक मारा हुआ है इसके ऊपर, इसको हम हटा देते हैं। ये जस्ट आपको वैल्यूज़ मिलती हैं। अच्छा, इसमें आपको ना वो नहीं कि भाई क्लिक मारने पे पेज रिफ्रेश हो रहा है, उसको रोक रहे हैं आप, ये सब इन्होंने पीछे किया हुआ है बिहाइंड द सीन, वो चीज़ें आपको नहीं करनी होती। अच्छा, तो मैंने बोला कि यार कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पर क्या कर दो, वो वैल्यूज़ को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यार जब मैं इसमें कुछ लिख के और सबमिट का बटन दबाता हूँ, यार ये तीन लाइनों में क्यों आ रहा है, तीन लाइनों में नहीं आ रहा। BR लगा देते हैं ना यहाँ पे एक, ताकि लाइन चेंज तो करे एटलीस्ट। ठीक है, मैंने लाइन चेंज करने के लिए ना लगा दिया ताकि तीन लाइनों में आए, काफ़ी वाहियात किस्म का दिख रहा था वो एक ही सिंगल लाइन में ना। अच्छा, मैंने पहले में मलिक लिखा, बाकी दोनों को खाली छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट कैसा आना चाहिए, वैसा ही आना चाहिए। ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास, वैल्यूज़ लिखा हुआ आया और वो आ गया। अब इसमें भी मैं कुछ लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर, और मैंने कहा कि इसमें abc@abc.com और सबमिट का बटन दबाया, तो देखो ये मुझे ऑब्जेक्ट पूरा मिल गया। पहले ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता था हमें, एक एक करके स्टेट से उठाओ, एक एक करके स्टेट में सेट करो, ऑन चेंज लगाओ सब पे, ऑन चेंज का फंक्शन है, बड़ा मसला था, बहुत लंबा काम हो जाता था। अभी वैलिडेशन पे भी हम आते हैं, वैलिडेशन इसमें कैसे होगी उस पे आते हैं। यहाँ तक की जो बात मैंने बताई वो सब लोगों को समझ आ गई, ठीक है। अब वैलिडेशन इसके अंदर जो है ना, जाहिर है वैलिडेशन भी एक प्रॉब्लम है। वैलिडेशन सिर्फ करवाना नहीं होता है बल्कि उसको रोकना भी होता है अगर वैलिडेशन फेल हो जाती है तो। नहीं, मिसाल के तौर पे इनिशियल वैल्यू में मैं ऑब्जेक्ट में क्या लिखूँ यहाँ पर,
मैं सिर्फ नेम लिख दूं अगर, तो ये किस में, पहले में करेगा, दूसरे में, तीसरे में, किसी में भी नहीं करेगा, क्योंकि नेम मैच नहीं हो रहा किसी से, समझ रहे हो? हर फील्ड के साथ ना एक नेम का प्रॉप है, तो देखो नेम का प्रॉप है, इसको मैं कर देता हूँ एफ नेम और एल नेम, ठीक है, शॉर्ट बना देता हूँ। हाँ, नेम का प्रॉप लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने उसमें बोला कि भाई अब एफ नेम, ठीक है, और एल नेम, ठीक है, सही है। तो पहला वाला किस में आएगा? जिसमें नेम का प्रॉप पास हुआ है एफ नेम, और दूसरा वाला किस में आएगा? जिसमें नेम का प्रॉप पास हुआ है एल नेम, सही है। ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट नेम में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया, मैच नहीं हो रहा ना नेम। देखो फर्स्ट नेम में क्या नेम लिखा हुआ है, सही है, और मैंने क्या लिखा है, सही है, आप समझ गए। तो ये इनिशियल वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ, तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि इस इनिशियल वैल्यू, यानी कौन से वाले की, ये पहले वाले की है। अच्छा, इसको मैं नीचे ऊपर करने से फ़र्क नहीं है, ये देख रहे हो, मैंने ईमेल को टॉप पे कर दिया, इससे फ़र्क नहीं है, वो फ़र्क नेम के प्रॉप से, वो रिफ्रेश किया मैंने, अब वो लिखा हुआ है सही, ठीक है। तो ये नेम की प्रॉपर्टी को ये पकड़ रहा होता है, जो आई डी से नहीं पकड़ रहा, आई डी दी हुई है, लेकिन वो लेवल के लिए दी हुई है। देखो ना, आईडी से तो चेंज कर दिया ना मैंने, आईडी ये नहीं है, आईडी दूसरी है अभी, आईडी हटा देंगे तो ये सिमेंटिक जो है ना लेबल, ये काम करना छोड़ जाएगा। यार लेबल का टैग किस तरह लगाते हैं, ऐसे ही तो लगाते हैं, एचटीएमएल भूल गए वो, हाँ ना, वरना उसको पता कैसे चलेगा कौन सी आईडी कौन सा इनपुट फील्ड कौन से लेबल से अटैच है, ये कैसे पता चलेगा? क्रॉलर्स के लिए होता है ये, क्रॉलर्स के लिए और स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है ये, सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो है उसमें, स्टाइलिंग वैसे ही होगी सीएसएस में जैसे होती है। आईडी पे स्टाइलिंग बाय द वे हमें ना असूलन तो क्लास पे करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं करूँगा क्या, फॉर्मिक के ऊपर ना मैं लगाऊँगा क्लास। हाँ हाँ हाँ, होगी बिल्कुल, करनी नहीं चाहिए, लेकिन आईडी पे स्टाइलिंग ना कोशिश करनी चाहिए, ना करें। हाँ देखो, स्टाइलिंग करने का जो प्रॉपर तरीका है ना, वो ये होता है कि जैसे ये पूरा फॉर्म है ना, अब ये फॉर्मिक को मैं यहाँ पे आईडी दे दूँ, सही है, यहाँ पे मैं इसको आईडी दे दूँ, और यहाँ पे आईडी दे के ना, या क्लास दे दूँ, जो भी चीज़ मुझे देनी है यहाँ पर दूँगा, और फिर मैं बोलूँ भाई फॉर्मिक के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो लेबल है इस पर ये फलाएँ स्टाइल लगा दो, फॉर्मिक के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो फील्ड है उस पर ये स्टाइल लगा दो, ऐसे करके देना होता है, ताकि वो एक कंपोनेंट का ना HTML CSS JavaScript एक जगह पे रहे, ठीक है। HTML चीज़, हाँ सर, मैं चाह रहा हूँ फॉर्मिक के अंदर जो फॉर्म है, हाँ ठीक है, और फॉर्म के अंदर जो थर्ड लेवल है, हाँ सर, उसका कलर चेंज, उसका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा सर? आईडी और क्लास को उसको कॉल नहीं करना, हाँ ना, ये आईडी मैंने शुरू में दे दी ना, बल्कि चलो यहाँ पे भी क्लास देते हैं, हाँ क्लास नेम, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। सॉरी, नेम के प्रॉप से कह रहे हो, एलिमेंट के नाम से ना, देखो H1 अगर एलिमेंट का नाम है, इसी की बात कर रहे हो, तो H1 पे आपको कलर ब्लैक करना है अगर, या कलर वाइट करना है, सबके हो जाएगा, H1 लिखोगे और ब्रैकेट लिखोगे, नेम का प्रॉप दिया हुआ है आपने, जैसे यहाँ पे नेम का प्रॉप दिया हुआ है, ये यार बुक में तो जो बुक मैंने पढ़ी है ना उसमें कोई 16-17 के करीब सेलेक्टर हैं, पता नहीं इस तरह काफ़ी सारे हैं, उसमें नेम का सेलेक्टर नहीं है, मे बी होगा CSS में, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि होगा। हाँ एट्रीब्यूट के नाम से कर सकते हैं, क्लास के नाम से कर सकते हैं, हाँ एट्रीब्यूट के नाम से हम कर सकते हैं, सही है, उसका सेलेक्टर वो लिखा हुआ है बुक में, एट्रीब्यूट सेलेक्टर से होगा वो काम। एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, नेम असल में एट्रीब्यूट है,
एट्रीब्यूट में आ जाएगा, नेम का अलग से कोई सेलेक्टर नहीं है। जैसे है तो ये भी एट्रीब्यूट, आईडी भी एट्रीब्यूट है, लेकिन आईडी के लिए अलग से सेलेक्टर है, नेम के लिए अलग से सेलेक्टर नहीं है, वो एट्रीब्यूट सेलेक्टर से होगा। वो यार नेम को छोड़ दो ना, नेम को इतना दिल पे क्यों ले रहे हो अभी। एक ने मुझे टास्क दिया है कि इसका जो है ना यहाँ पे खड़े होकर नीचे का थर्ड वाला ये फील्ड चेंज करना है, गायब हो गया। अच्छा अच्छा, तो भाई यहाँ पे तुम दोगे क्लास नेम, मैंने लिखा भाई फॉर्म, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे मैंने, फॉर्म लिख दिया मैंने, कहा भाई माय फॉर्म। अब आप बोलोगे माय फॉर्म के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो है वो क्या है, फील्ड है। अब फर्स्ट चाइल्ड करके आप तीन दफ़ा करोगे तो भी हो जाएगा, सही है, और लास्ट चाइल्ड करके भी शायद होता है कुछ सेलेक्टर, तो लास्ट चाइल्ड अगर नहीं कि लास्ट चाइल्ड तो बटन है यार, सर एंथ चाइल्ड होता है, एंथ चाइल्ड होता है उससे होगा शायद, सही है। अच्छा आते हैं जरा CSS बनाते हैं ना, वेदर की CSS नहीं बनी हुई। अच्छा जी, तो मैंने कहा माई फॉर्म, मैंने कहा भाई बॉर्डर लगा दो इसके ऊपर 1 pixel सॉलिड ब्लैक, अच्छा इंपोर्ट नहीं किया हुआ ना भाई, चल क्यों नहीं रही है, इंपोर्ट नहीं किया हुआ इसके ऊपर, अभी भी नहीं चल रहा, क्या सीन है ये, माई फॉर्म माई फॉर्म, क्लास नेम सही लिखा है ना मैंने, हाँ भाई भाई हूँ, क्लास नेम सही लिखा है मैंने, या मैंने कोई गड़बड़ की है इसके अंदर, सही तो लिखा है यार क्लास नेम मैंने, हाँ बॉर्डर बना के क्यों नहीं दे रहा यार ये, ठीक है बकवास है, मैंने कहा कलर, ये फॉर्म पे मैंने बनाया है बॉर्डर चारों साइडों में, फॉर्मिक यहाँ पे शो नहीं कर रहा, सही कह रहे हो, फॉर्मिक पे वो क्लास अप्लाई नहीं हो रही। वेल यहाँ पे इन्होंने ना स्टाइलिंग में स्टाइलिंग सब बताई हुई है भाई दादा, ठीक है, मटेरियल यूआई के जरिए इसकी स्टाइलिंग कैसे होगी वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, कोई ऐसा इतना बड़ा मसला भी नहीं है ना, यहाँ पे इन्होंने देखो बताया हुआ है कि कैसे करके होगा। अच्छा वेल यार हमें वैलिडेशन करनी है, टाइम हमारे पास कम रह गया, तो ये CSS के मसले हम बाद में देख लेंगे, अभी फॉर्मिक फिलहाल समझ लो। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि यहाँ पे ना स्टाइलिंग देखो इन्होंने करके बताई हुई है कि कैसे होगी स्टाइलिंग ये। अच्छा ये क्या इसने किया है विथ मटेरियल यूआई करके, और ऐसे करके इसने फॉर्मिक बनाया है, ठीक है। अच्छा तो एक तो हमने तरीका कर लिया बग़ैर वैलिडेशन के, एक हमने तरीका क्या करके देखा बग़ैर वैलिडेशन के, अब यही काम जब हम वैलिडेशन के साथ करते हैं ना तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है ये, ठीक है, यही काम जब हम वैलिडेशन के साथ करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है, कैसे होता है आ जाते हैं हम वैलिडेशन वाले में, वैसे तो ये भी वही है, यप आ गया हमारे पास, यप यार ये क्या किया है उन्होंने,
उसी में सही बना होगा जो ये था ना मटेरियल यूआई वाली एग्जांपल थी, इसी में ही सही बनाया मतलब इन्होंने। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज फॉर्मिक का ना एक हुक है हमारे पास में, हम वो यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यूज फॉर्मिक करके हमारे पास एक हुक होता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए हम ये काम कर रहे होते हैं। अभी पहले हमने कैसे लिखा था, पहले हमने फॉर्मिक लिखा था, फॉर्मिक के अंदर हमने इनिशियल वैल्यू ऑन सबमिट और ऐसे करके लगाया था ना। अब इसको हम क्या करेंगे, वैलिडेशन के साथ करना है तो थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है, तरीका मुख्तलिफ नहीं है, इसी के अंदर एक एड ऑन है, एक एडिशन है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मिक को क्या करने लगा हूँ, रिमूव करने लगा हूँ। अच्छा ये फॉर्मिक मैंने कहाँ से उठाया था, ये मैंने उनके सैम्पल्स में से उठाया था तो वहाँ पे ये सेव है। अच्छा अब मैं यहाँ पे ऊपर करने जा रहा हूँ, यूज फॉर्मिक मैं इम्पोर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, यूज फॉर्मिक क्योंकि ये सब एक ही जगह से इम्पोर्ट हो रहा है इसलिए मैंने एक सेम लाइन में लिख दिया। अच्छा अब ये यूज फॉर्मिक को इस्तेमाल कैसे करना बताया इन्होंने, इन्होंने बोला भाई साहब आप ऐसे इस्तेमाल करोगे इसको। सही है, क्या करोगे आप, सबसे पहले आप आओगे जो भी मेरे स्टेट वेरिएबल बने हुए हैं उस पर ये यूज फॉर्मिक ऐसे कॉल करोगे आप। ठीक है, अच्छा ये क्या मैंने गड़बड़ कर दी हुई, अच्छा वो एक ब्रैकेट मैंने मिस कर दी, एक ब्रैकेट मैंने मिस कर दी थी इसलिए वो एरर आ रहा है। ठीक है, हाँ अब ये प्रॉपर कॉल हुआ। अच्छा तो हमने कैसे कॉल करना है इसको, यूज फॉर्मिक करके। ठीक है, यूज फॉर्मिक लिखा मैंने और इनिशियल वैल्यू उसी तरह दे रहा हूँ मैं, लेकिन वो टैग्स में नहीं दे रहा मैं, अब मैं उसको यहाँ पर दे रहा हूँ यूज़ फॉर्मिक में। ठीक है, अच्छा हुक्स जितने भी हैं ना उसमें सब में क्या लिखा हुआ होता है, शुरू में लिखा हुआ होता है यूज़। ठीक है, हुक की पहचान है उसको ऐसे करके यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ फॉर्मिक ऐसे करके होता है। अच्छा यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे दी, इनिशियल वैल्यू समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद वैलिडेशन स्कीमा हमने दिया है, वैलिडेशन स्कीमा क्या होता है अभी इसको कॉमेंट कर देते हैं। ठीक है, वैलिडेशन स्कीमा को दो मिनट के लिए कॉमेंट कर देते हैं। उसके बाद है ऑन सबमिट, ऑन सबमिट का जो फंक्शन है ना, पहले हम वहाँ पे पास करते थे, अब हम इसको यहाँ पे पास कर रहे हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिलती हैं उसको क्या किया हुआ है, उसको मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवा दिया। मैंने कहा भाई साहब इधर प्रिंट हो जाओ वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ को मैंने प्रिंट करवा दिया। अच्छा अब ये यूज़ फॉर्मिक जो है वो क्या हो चुका है, एक मेरे पास हुक बन के तैयार हो चुका है, इसको मैंने हुकअप करना है किसके साथ, अपनी यूआई के साथ। अच्छा अब आ जाते हैं ज़रा वापस यहाँ पे और इसको यूआई के साथ इन्होंने कैसे हुकअप किया है वो ज़रा देख लेते हैं। अब इन्होंने फॉर्म जो बनाया है वो बिल्कुल कैसा बनाया है, जैसा वो बिल्ट इन कम्पोनेंट था ना बिल्कुल वही वाला बनाया है, जैसा बिल्ट इन कम्पोनेंट था बिल्कुल वही वाला फॉर्म इन्होंने बनाया है, कुछ इसके अंदर इन्होंने चेंज नहीं किया है, यहाँ पर बिल्कुल उसी के ऊपर सारा काम किया है। अच्छा पकड़ के ले आते हैं हम ज़रा इसको यहाँ पे से, ये पूरा का पूरा फॉर्म मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया और हमारा फॉर्म जहाँ पे था वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमारा फॉर्म जहाँ पे था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अच्छा ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये असल में मटेरियल यूआई के साथ उन्होंने एग्जांपल बताई है ना, तो ये टेक्स्ट फील्ड कहाँ से रिक्वायर किया हुआ है उन्होंने, मटेरियल यूआई से। हम अभी मटेरियल यूआई यूज़ नहीं कर रहे तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको इनपुट कर देते हैं, प्रॉपर जो इनपुट होता है ना वो कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हमने क्या कर दिया, इनपुट कर दिया हम, क्योंकि अभी मटेरियल यूआई यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा मटेरियल यूआई आप सब लोगों को पता है कैसे यूज़ होती है, बूटस्ट्रैप यूज़ कर चुके हो ना, रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ किया है क्लास में करके बताया मैंने, नहीं करके बताया। वेल रिएक्ट बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि हम उसको इंस्टॉल करते हैं और कंपोनेंट ना ऊपर रिक्वायर करके लगाते चले जाते हैं, करेंगे इंशाल्लाह। वेल अभी हमने किया नहीं है इसलिए हमने क्या किया, वो सब कुछ हटा दिया। अब मेरा जो फॉर्म था, अब ये रिएक्ट का जो बिल्ट इन कंपोनेंट था वो वाला फॉर्म मैंने लगाया है। ठीक है, और उसमें मैंने ऑन सबमिट पे क्या बोला, सबमिट का फंक्शन नहीं दिया, मैंने बोला फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट। ये फॉर्मिक क्या चीज़ है, ये ऊपर जो मैंने हुक तैयार किया ना ये वाला फॉर्मिक है। अच्छा तो मैंने बोला फॉर्मिक डॉट ऑन सबमिट, सही है, बल्कि फॉर्मिक डॉट सबमिट हैंडलर, और ये ऑन सबमिट में मैंने जो बात लिखी हुई है ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चल जाएगी जब मैं सबमिट करूँगा।
सही है। अच्छा, इस वाले तरीके में क्या हो रहा है कि हमारा फॉर्मिक बिल्कुल सेपरेट हो जा रहा है और हमारा जो यूआई है ना उसमें फॉर्मिक वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये बेहतर तरीका है। ये वाला तरीका ना किसी भी यूआई फ्रेमवर्क के साथ ईजिली चल जाता है, वो जो दूसरा वाला तरीका था ना वो यूआई फ्रेमवर्क के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, अभी उसमें सीएसएस भी हमने लगाई तो वो सीधी तरह से लग रही नहीं थी, पता नहीं क्या खेल वेल वो ख़त्म ही कर दिया हमने। ठीक है ना, अभी प्रॉपर तरीका जब वो ये हर यूआई फ्रेमवर्क के साथ सही चल जाता है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा जो इसमें लगे हुए हैं ना, आईडी है, नेम है, लेबल है, वैल्यू है, ऑन चेंज है और ऑन एरर है और हेल्प टेक्स्ट है। अच्छा, अब देखो ये क्या चक्कर है इसका ना, अब इसको और से समझना पड़ेगा फिर ये समझ में आएगा, वरना ही समझ में नहीं आएगा। अच्छा, पहले मैं ये एक्स्ट्रा जो दिया हुआ ये हटा दूंगा इसमें से। आईडी है, नेम है, लेबल है, टाइप है, वैल्यू है, ऑन चेंज एरर और हेल्प टेक्स्ट। ठीक है, और सबमिट है, इसका कलर प्राइमरी वगैरह ये सब हटा देते हैं क्योंकि ये मटेरियल यूआई स्पेसिफिक चीज़ है। मैंने बोला बस भाई बटन नहीं है और इसकी टाइप क्या है, सबमिट है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पता ना हो, ये पुराना वाला फंक्शन वापस आ गया हमारा, जैसा फंक्शन ये था ना नीचे वाला वैसा ही फंक्शन ये वापस आ गया। ठीक है, इसमें कोई चीज़ न्यू तो नहीं है इस फंक्शन बोल रहा हूँ मैं, फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर कोई चीज़ न्यू तो नहीं है, जस्ट ये फॉर्मिक लिखा हुआ है ना, इसको मैं एक एक को अभी आपको क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू में जो भी बात मैं लिखता हूँ वो पहले से लिखी हुई आ रही होती है, पहले से लिखा हुआ होता है स्क्रीन पे, ऐसा ही है ना। अच्छा, इसका नेम क्या है, ईमेल और पासवर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ईमेल में जो बात यहाँ लिखूँगा, मैं लिखूँगा malik@sysball.com, तो इसका मतलब है ईमेल किससे मैच होगा, ईमेल, ये वैल्यू देख रहे हो formic.values.email। अब ये नेम से इसका ताल्लुक नहीं है, नेम ख़त्म हो गई कहानी, मैंने बोला वैल्यू में ये रखवा दो, ख़त्म बात, दैट्स इट। ठीक है, जाके देखते हैं स्क्रीन पे क्या ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, देखो ये malik@sysball.com लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं इससे ये वैल्यू हटा दूंगा, कट कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ जो था ये भी गायब हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड, तो ये वैल्यू समझ में आ गया कि वैल्यू से क्या हो रहा है। और इसमें जो बात लिखी हुई है ना, ये बॉयलर प्लेट है, ये हमेशा ऐसे ही लिखी जाएगी, formic.values.email। ये वाले कॉन्स्टेंट को नहीं, इसका नाम कोई भी रख सकता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ कि माई फॉर्मिक लिख देता हूँ, फिर नीचे भी सब जगह वही लिखना होगा मुझे। एक मिनट, इसको मैं पहले माई फॉर्मिक कर देता हूँ ना हाथ के हाथ। ठीक है, सबको मैंने कंट्रोल डी दबा के सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि माई फॉर्मिक, सही है, सब जगह मैंने माई फॉर्मिक कर दिया। थोड़ा सा कचरा सा लग रहा है देखने में, लेकिन ये कोड अभी भी स्टिल बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको सबमिट प्रेस करने से क्या होना चाहिए, सबमिट पे मैंने क्या बात लिखी हुई है, सबमिट पे मैंने ये बात लिखी हुई है कि जो भी वैल्यूज़ मिले ना उसको सीधा सीधा कंसोल कर दो। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसे वैल्यू लिखी मैंने कुछ और कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे और सबमिट का बटन दबाया, तो ये देखो ये मुझे वैल्यू वो वाली दे दी इसने, कुछ एरर भी आया है, वेल देखते हैं वो क्या एरर है अभी। ठीक है, वैल्यू समझ में आ गई कि वैल्यू क्या चीज़ होती है। अच्छा, ऑन चेंज पे मैंने लिखा myFormic.HandleChange, ये हैंडल चेंज मैंने डिफाइन नहीं किया, ये फॉर्मिक ने खुद अपने पास कहीं सोच के रखा हुआ है पहले से। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने हैंडल चेंज कहीं डिफाइन नहीं किया कि हैंडल चेंज जब, यानी उसमें जब चेंजेस हो तो किस में लाके वैल्यू कहाँ रखो, ये सब कुछ मैंने डिफाइन नहीं किया अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला हैंडल चेंज, तो ये फॉर्मिक संभाल रहा है अपने एंड पे, इसको पता है। अच्छा, हैंडल चेंज किसके साथ कनेक्ट होगा, होपफुली हैंडल चेंज क्या देख रहा होगा, देख लेते हैं हैंडल चेंज क्या देख रहा है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि हैंडल चेंज को ये कैसे पता चल रहा है कि इसी की चेंज करनी है वैल्यू, मेरा ख्याल है नेम से पता चल रहा है। हाँ नहीं, नेम मैंने उड़ा दिया था, लेकिन नेम मुझे देना पड़ेगा शायद, लेकिन नेम हटाया हुआ फिर भी सही चल रहा है।
दोनों का नेम हटा देता हूँ। वेल तो ऑन चेंज बहरहाल किसी ना किसी तरह वो पता लगा ले रहा है। मेरा ख्याल था कि नेम के साथ कनेक्ट होता है क्योंकि ऑन चेंज में उसको ऑन चेंज तो चल रहा है लेकिन उधर जाके किस में चेंज करना है ये कैसे पता चलेगा। वेल कोई तरीका किया हुआ इसने अंडर द हुड, मे बी इस वैल्यू को देखता हूँ कि इसमें वैल्यू क्या लगी हुई है, तो जो वैल्यू है उसी पे ही जाके रखता हूँ मे बी। अच्छा अब उसके बाद ना ये एरर और हेल्प टेक्स्ट जो है ना ये हमें कैसे समझ में आएगा, ये हमें जब समझ में आएगा जब हम वैलिडेशन इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है ये दोनों हटा भी दूँ ना मैं तो ये बिल्कुल सही चलेगा, इन दोनों में से मैंने ये दोनों हटा दिया, ये दोनों में हटा भी दूंगा तो क्या होगा ये बिल्कुल सही चलेगा। अभी ये वैलिडेशन के बगैर है अभी भी वो दोनों, क्योंकि वैलिडेशन स्पेसिफिक चीज़ थी ना। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, इसमें मैंने कुछ वैल्यू लिखी और इसको सबमिट का बटन प्रेस किया, देखो मुझे वैल्यूज़ मिल गई। राइट वैल्यूज़ मिलने का ताल्लुक उन दोनों से नहीं है तो मैं कंट्रोल जेड करके उन दोनों को वापस लाता हूँ। ठीक है एरर और हेल्प टैक्स। अच्छा अब ये एरर और हेल्प टैक्स क्या चीज़ है, ये प्रॉप्स हैं दोनों। ये किसको दिया हुआ है प्रॉप्स, अभी इनपुट को दिया हुआ है, इनपुट ना इस नाम का कोई प्रॉप एक्सेप्ट नहीं करता, इनपुट को एरर का नहीं पता कि एरर क्या होता है। सही हो गया, जो मटेरियल यूआई का इनपुट था ना वो एरर एक्सेप्ट करता है, मटेरियल यूआई का जो इनपुट प्रॉप है वो उसको एरर में जो भी बात लिख के दो ना वो नीचे छोटा सा रेड कलर से लिखा हुआ आ जाता है नीचे, समझ रहे हो। तो ये इसलिए दिया हुआ है, तो मुझे एरर ये कहीं और प्रिंट करवाना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है मेरे लिए ये मसले का हल नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ बूटस्ट्रैप में देखता हूँ कि क्या ये चीज़ है उसमें अवेलेबल। बूटस्ट्रैप तो फ़ौरन हम लगा सकते हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है अगर बूटस्ट्रैप में नहीं हुआ ना इजली अवेलेबल तो हम अलग से लाल कलर का एक छोटा पैराग्राफ नीचे लगा लेंगे। कंपोनेंट्स में जाके मैं देखता हूँ कि इनपुट का जो इनका कंपोनेंट है वो क्या इस तरह की चीज़ एक्सेप्ट करता है, अगर करता होगा तो हम उसको जल्दी से ऐड कर लेंगे अपने पास। कहाँ चला गया, यूटिलिटीज फॉर्म्स। यस इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म टेक्स्ट फॉर्म कंट्रोल। अच्छा बूटस्ट्रैप का जो इनपुट बॉक्स है ना उसमें ऐसा इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेता, वो एरर मैसेज नाम की कोई चीज़ नहीं लेता। इसमें ना इस वैलिड जो है वो ट्रू फॉल्स है, इस वैलिड को अगर फॉल्स करते हैं तो वो पूरा इनपुट बॉक्स रेड हो जाता है, ऐसा वाला है ना। मतलब प्रॉप में अगर इस वैलिड को मैंने फॉल्स पास कर दिया तो पूरा रेड हो जाता है। वेल अभी हम ना इन चीज़ों को फिर इस्तेमाल नहीं करते, इनको हम फिर फिलहाल के लिए रहने देते हैं। तो वेल हमें ये काम क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके नीचे जो है ना एक चुन्ना मुन्ना सा पैराग्राफ ले लेता हूँ, सही है, और इस पैराग्राफ में मैं क्या बोल देता हूँ कि दिस इज एरर मैसेज। ठीक है और मैं इसको क्या दे देता हूँ, स्टाइल कलर रेड। ठीक है दिस इज एरर मैसेज, सही है। अच्छा तो हम इस तरह करके एरर का मैसेज प्रिंट करवाएंगे। अच्छा तो ये इस इनपुट बॉक्स के साथ का ये हो गया, सही है। इसको पैराग्राफ नहीं करते, इसको कर देते हैं स्पैन हम, क्योंकि वो पैराग्राफ जो है ना फिर क्या होता है वो पूरी लाइन एक ले रहा है, न्यू लाइन पूरी ले रहा है। ठीक है तो मैंने स्पैन लगा दिया ताकि उसी के सामने फ्रंट पे वो लिखा हुआ जाए। ठीक है मैंने कहा फिर आप बी आर हो जाओ, एक लाइन नीचे आ जाओ, सही है। मतलब एक इनपुट उसके सामने बिल्कुल उसका एरर मैसेज, फिर बी आर और बी आर के नीचे फिर एक और वैसा ही एरर का मैसेज।
ठीक है, और फिर एक br और फिर बटन। तो कुछ इस तरह का मेरे पास एरर का मैसेज जब डिस्प्ले होगा ना तो कुछ इस तरह का होगा वो, ठीक है। सब लोगों की तवज्जो है यहाँ पे, अभी एरर का मैसेज तो खैर हिडन होगा ना, शुरू में तो नहीं होता एरर का कोई मैसेज। अगर एरर का कोई मैसेज होगा तो वो इस तरह करके डिस्प्ले होगा, ये सबको क्लियर हो गई बात। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, ये एरर और हेल्प टेक्स्ट, अभी हेल्प टेक्स्ट को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ एरर को फिलहाल समझते हैं, हेल्प टेक्स्ट को फिर समझ लेंगे थोड़ी देर में। myformic.touched.email सही है, myformic जो है वो क्या मिलेगा आपको, टच का मतलब क्या है, देखो ईमेल जो है वैलिड ईमेल क्या होती है, उसमें एट द रेट होना चाहिए, उसमें डॉट कॉम होना चाहिए, ये वैलिड ईमेल है। लेकिन मिसाल के तौर पर जब आपका फॉर्म चला है, अगर उस वक्त फ़ौरन आपने ये बात लिख दी, अगर आपने ये बोला कि इनपुट बॉक्स में अगर ईमेल में एट द रेट और डॉट कॉम नहीं हो तो इनपुट बॉक्स को लाल कर दो, तो पेज खुलते ही क्योंकि वो खाली है तो वो लाल खुलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसा ही होगा ना। अच्छा तो इस चीज़ से बचने के लिए एक एडिशनल प्रॉपर्टी आपको दी जाती है कि टच ट्रू है या फॉल्स है। तो हम दो चीज़ों पे चेक लगाते हैं, हम एक तो चेक करते हैं कि डॉट कॉम और एट द रेट होना चाहिए, दूसरा फॉर्म टच भी हो चुका हो। अभी तक फॉर्म को अगर टच नहीं किया ना किसी ने तो इसका मतलब है अभी वैलिडेशन अभी नहीं है। तो ये टच पे आपको ट्रू कब मिलेगा, जब आप फॉर्म को टच कर देंगे ना, एक बार क्लिक कर देंगे। टच करने का मतलब क्या है, टच करने का मतलब ये कि एक बार ऐसे क्लिक कर दिया आपने और फिर बाहर आया, तो फिर ये कहलाएगा टच्ड हो चुका है ये, ठीक है, इसको हाथ लगा दिया है मैंने। हाँ जैसे मैं शुरू में इसकी दोनों वैल्यूज़ ने एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है, शुरू में मैंने दोनों वैल्यूज़ इसकी एम्प्टी कर दी। अब ये शुरू में क्या खुलेगा, शुरू में एम्प्टी खुलेगा ये, भाई अभी भी वैलिडेट वो सजेशन दे रहा है मुझे, बहरहाल ये है लेकिन कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो जब मैं इसको क्लिक कर दूंगा ना, जब मुझे टच क्या मिलना शुरू हो जाएगा, ट्रू मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू में टच जो है वो फॉल्स होता है जब तक मैं इसको हाथ ना लगा दूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एरर का मैसेज जब भी मैं दिखाऊंगा या कलर जब भी चेंज करूंगा तो मुझे टच को क्या करना है, अकाउंट में रखना है कि हाँ यार टच भी ट्रू होना चाहिए और एरर भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम। अच्छा तो पहली बात हमने देख ली है कि टच क्या होता है। अच्छा टच के साथ साथ इसको क्या मिला, myformic.errors.email कि ईमेल वाले जो सेक्शन में ना कोई एरर अगर है, अगर ईमेल की वैलिडेशन फेल हो गई है अगर, तो वो इसमें मिलेगा, ठीक है, इसमें मिलेगा। अच्छा तो असल में जो एरर होता है ना उसको बूलियन चाहिए होता है, मटेरियल यूआई में एरर को क्या चाहिए होता है, बूलियन। तो इसने पार्स किया हुआ है बूलियन के अंदर इसको ना, लेकिन हमें बूलियन में पार्स नहीं करना। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, अब इसको हम कैसे दोनों को ट्रू करवाएंगे। नंबर एक वैल्यू के ज़रिए मैं क्या करूँगा कि टच अगर हो चुका है और एरर भी है, दोनों चीज़ अगर है, सही है, यानी कि बूलियन ही हम भी क्या किया मैंने, ये कंट्रोल जी हो ही नहीं रहा। अच्छा तो ये जो मेरा है ना ये ट्रू, मटेरियल यूआई में इस एरर पे क्या देना होता है, ट्रू देना होता है। तो ट्रू देने से क्या होता है, वो डब्बा लाल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको कट किया, मैंने कहा भाई साहब अगर ये ट्रू होगा ना तो फिर आप क्या दिखाओगे, ये स्पैन मेरा डिस्प्ले करवा देना अगर ये ट्रू होगा तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने एक जावास्क्रिप्ट बनाई, मैंने जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर बनाया, टर्नरी ऑपरेटर में ये मैंने पूरी लॉजिक दे दी, और लॉजिक के बाद मैंने बोला कि क्वेश्चन मार्क, और अगर ये लॉजिक ट्रू है तो ये पूरा स्पैन दिखा दो, ठीक है, ये पूरा स्पैन दिखा दो, और अदरवाइज क्या दिखा दो आप, और हाँ अदरवाइज आप नल दिखाओ, कुछ भी ना दिखाओ, ठीक है। ये समझ आई बात, ये जो मेरा टर्नरी ऑपरेटर था ना, मैंने कहा भाई साहब फॉर्म अगर टच हो चुका हो, ईमेल वाला जो पोर्शन है वो टच हो चुका हो, और myformic.error में कोई मैसेज भी आ गया हो एरर का, ये दोनों चीज़ें अगर हो गई हो ना, तो आप क्या कर दो, ये स्पैन दिखा दो आप। अब इस स्पैन के अंदर क्या दिखाओ वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया, ठीक है। अच्छा उसके बाद है हेल्प टेक्स्ट, हेल्प टेक्स्ट के अंदर जो है मटेरियल यूआई के अंदर हेल्प टेक्स्ट के नाम का एक प्रॉप होता है, उसको हमें एक वो टेक्स्ट देना होता है जो नीचे पट्टी में लिखा हुआ रहा होता है। तो मुझे इस पट्टी में क्या शो करवाना है,
मुझे एक्चुअल वो एरर का मैसेज शो करवाना है, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे शो करवा देना है एरर, ठीक है। मैंने कहा स्पैन के अंदर क्या लिख के दिखा दो, वही एरर का मैसेज मुझे लिख के दिखा दो, तो अब इन दोनों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ आ गया सब लोगों को ये वाला कि कैसे हुआ? लग नहीं रहा वैसे शक्लों से तुम लोगों की कि समझ आया तुम लोगों को। भाई मेरा जो एरर का स्पैन था ये मुझे हमेशा तो नहीं डिस्प्ले करवाना ना, कब डिस्प्ले करवाना है मुझे ये, जब एरर आएगा, ठीक है। अच्छा वैसे मैं इसके अंदर अगर टर्नरी ऑपरेटर ना भी लगाता ना, मिसाल के तौर पर मैं अगर इसमें टर्नरी ऑपरेटर ना लगाऊँ तो मेरा काम जब भी ओके है। कैसे ओके है वाला? क्योंकि देखो ना, शुरू में जब इसके अंदर कोई मैसेज नहीं होगा, एम्प्टी होगा, तो लाल रंग दिखेगा ही नहीं और ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन वो टच वाला जो मेरा पॉइंट है ना, वो मुझे स्टिल यहाँ पे रखना है। क्यों? अब बताओ क्यों रखना है? पेज लोड होते ही दिखा देगा पहली बात तो, एरर वो वैलिडेशन फ़ौरन चल जाती है। उसके अलावा जब मैं लिख रहा हूँ ना, मैंने क्लिक किया अभी, अभी जब तक क्लिक है ना, जब तक टच नहीं हुआ, जब क्लिक करके बाहर करूँगा जब टच ट्रू होता है। अब मैंने क्लिक किया, अब मैं लिख रहा हूँ, अब वो नीचे डब डब डब, वो मैंने लिखने के साथ साथ वो वैलिडेशन भी चलती जा रही है, साथ साथ वो एरर का मैसेज भी दिखाता रहेगा, तो इसलिए ये काम मेरा फेल हो जाएगा। अच्छा वैलिडेशन अभी मैंने लगाई नहीं है, वैलिडेशन ऊपर मैंने रोकी हुई है, वैलिडेशन अभी एक्चुअल में हो नहीं रही, ये सारी थ्योरी की बातें कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे वो टर्नरी ऑपरेटर चाहिए। मैंने कहा भाई जान इसको डिस्प्ले ही जब करवाना है आपने, जब क्या हो चुका हो, वो टच हो चुका हो और एरर का मैसेज स्टिल सस्टेन कर रहा हो, उस सूरत में दिखाना है। और दिखाना है क्या है इसके अंदर, एरर का जो एक्चुअल मैसेज है वो प्रिंट करवा देना है, ठीक है। ये मैंने अलग से किया है, अगर मैं मटेरियल यूआई यूज़ कर रहा होता तो वो उसी तरीके से हो जाता है जैसे वहाँ पर लिखा होता है। लेकिन हमें रिगार्डलेस ऑफ कि कौन सी यूआई हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें एक्चुअल चीज़ का पता होना चाहिए कि वो फंक्शनैलिटी काम कर कैसे रही है। अच्छा यही चीज़ मैंने अब इसको नीचे भी प्रिंट करवा देना है, ठीक है। ये स्पैन लिखा हुआ था ना, स्पैन की जगह प्रिंट करवा देना है मैंने। लेकिन अब इसकी बात क्या होगा, इसमें जो ईमेल की जगह पासवर्ड होगा, जाहिर है पासवर्ड टच होगा जब इसको दिखाना है मैंने, तो ये मैंने पासवर्ड दिखा दिया, ठीक हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पे शुरू में कोई भी एरर का मैसेज लिखा हुआ मेरे पास नहीं आ रहा है, ठीक है। एरर क्या दे रहा है ये भाई हमें, अच्छा हेल्प टेक्स्ट वो एक्सेप्ट नहीं करता ना ये प्रॉप, ये कह रहा है भाई इनपुट में हेल्प टेक्स्ट नाम की कौन सी चीज़ आप पास कर रहे हो, ये तो है ही नहीं हमारे पास। सही कह रहा है, ठीक है, क्योंकि हेल्प टेक्स्ट बिल्ट इन कंपोनेंट में हेल्प टेक्स्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये एरर अब ख़त्म हो जाना चाहिए, मैंने वहाँ से हटा दिया क्योंकि, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल गया, बिल्कुल ओके हो गया, इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मैं इसके अंदर वैलिडेशन वाले पार्ट में आ जाता हूँ कि अब इसमें एक्चुअल वैलिडेशन ये होगी कैसे, मतलब ये चीज़ तो मिल गई कि माई फॉर्मिक डॉट टच और माई फॉर्मिक डॉट एरर्स, ये तो मुझे पता चल गया कि अच्छा ये मिलता है। लेकिन ये मिलेगा कब और कैसे काम करेगा, उसके लिए हम ऊपर आ जाते हैं वैलिडेशन पे, ठीक है। देखो इसने क्या लिखा हुआ है, वैलिडेशन स्कीमा, और वैलिडेशन स्कीमा में ना एक स्कीमा बना के पास किया हुआ है, हमने अभी तक ये स्कीमा नहीं बनाया था, आगे बना लेते हैं ये वाला स्कीमा कीमा नहीं है स्कीमा है, सही है, ये है वो स्कीमा, ठीक है। स्कीमा भी यहाँ पे जल्दी से हम बना लेते हैं। अब स्कीमा देखो कैसा है ये, इसने बोला कांस्टेंट वैलिडेशन स्कीमा इक्वल्स टू यप डॉट ऑब्जेक्ट। अब ये यप क्या चीज़ है, एक वैलिडेशन लाइब्रेरी है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई, अब इसमें क्या बोला इसने कि भाई ईमेल क्या होगा, यप डॉट स्ट्रिंग डॉट ईमेल डॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तीन चीज़ें होंगी इसमें, स्ट्रिंग होगा ये, ईमेल होगा और रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। पासवर्ड में क्या बोला इसने, स्ट्रिंग होगा, मिनिमम 8 कैरेक्टर होगा और रिक्वायर्ड होगा। मिसाल के तौर पे किसी की भी एक की वायलेशन हुई ना, अगर जैसे स्ट्रिंग नहीं दिया बंदे ने, नंबर दे दिया, तो मैसेज में ये बात आएगी नीचे जो मैसेज प्रिंट होगा ना उसमें। अगर ईमेल नहीं हुआ, स्ट्रिंग तो है लेकिन स्ट्रिंग में अपना नाम लिख दिया उसने ईमेल की बजाय, तो ये मैसेज आएगा फिर। हाँ ये अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा तो यप मुझे करना पड़ेगा इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल करके रिक्वायर करना होगा बस, और वो मुझे पता चल जाएगा। तो मैं चला जाता हूँ npm यप, और ये मैंने क्या कर लिया, ठीक है, यप को मैंने कर लिया इंस्टॉल। दे सकते हैं लेकिन ये लाइब्रेरी से आसान हो जाता है ना काम।
import yup from yup. ठीक हो गया अभी, ये मेरा काम बेस्ट हो गया, ज़बरदस्त काम हो गया. क्या प्रॉब्लम है भाई इसको? अच्छा यप कह रहा है कि सही इंपोर्ट नहीं किया आपने, देख लेते हैं कैसे इंपोर्ट होगा यप. अच्छा स्टैटिक एज यप, ऐसे करके होगा. सही है, ऐसे करके कर लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं है. ठीक है, तो यप की लाइब्रेरी के अंदर ही लिखा हुआ है कि ये इम्पोर्ट कैसे होगा, तो हमने वैसे इम्पोर्ट करवा लिया, कोई मसला नहीं है. रिफ़्रेश किया मैंने, अब रिफ़्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया आगे. अब क्लिक करने के बाद मैं इसमें से रिमूव करता हूँ कुछ चीज़ें, देख रहे हो अभी मैं इसको पूरा खाली करता जा रहा हूँ, मुझे अभी तक इसने एरर नहीं दिया. ठीक है, एरर के इसको भी कंसोल को भी मैं हटाता हूँ. अच्छा अब जब मैं बाहर क्लिक करूँगा जैसे ही, तो इसको मैसेज दे देना चाहिए था लेकिन इसने नहीं दिया. ओके, सबमिट का बटन क्लिक करने पर दे रहे हैं. ठीक है, तो इसने क्या बोला है, एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस. मिसाल के तौर पर मैंने नंबर दे दिया अगर, तो नंबर पे क्या बोलेगा अभी, एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, यही लिखा हुआ था हमने. हाँ अगर स्ट्रिंग नहीं होगा तो एंटर योर ईमेल एड्रेस ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं खाली छोड़ देता हूँ तो. अच्छा खाली छोड़ने पर ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, देख रहे हो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है. अगर मुझे इफ़ लगा के करना पड़ता ये तो काफ़ी लंबा हो जाता काम. नहीं, 1 2 3 एंटर अ वैलिड ई मेल. अच्छा abc@gmail.com खुद ही से गायब हो गया. ठीक है, वो एरर का जो मैसेज था वो एम्प्टी हो गया, तो वो गायब हो गया यहाँ से. बाहर क्लिक भी नहीं किया मैंने. वेल वो पहले से बना हुआ मैकेनिज्म है और सब चीज़ों का ख्याल उन्होंने रखा हुआ है. अच्छा अब देखो क्या कह रही है, पासवर्ड शुड बी मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर. ठीक है, मैं बिल्कुल खाली करता हूँ अगर, तो क्या बोल रहा है, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड. जी स्ट्रिंग, यार ये स्ट्रिंग का भी इसको देना चाहिए. मिसाल के तौर पे मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे. हाँ ये सही कह रहा है कि ये ना स्ट्रिंग वाला पहले देना चाहिए ना एरर इसको. चलो खाली है ना सबसे पहले, तो खाली में क्या दे रहा है कि भाई रिक्वायर्ड है. अच्छा उसके बाद अगर स्ट्रिंग ना दूँ मैं, स्ट्रिंग के अलावा कुछ और दे दूँ मैं, तो इसको क्या देना चाहिए फिर, मुझे एरर देना चाहिए. लेकिन असल में बात यह है कि जब मैं यहाँ कोई नंबर भी लिखता हूँ ना, तो असल में बैकग्राउंड में स्ट्रिंग जाता है वो, है ना, तो इस वजह से वो स्ट्रिंग वाला एरर नहीं दे रहा हूँ. नहीं वो असल में, एक मिनट ना, सबमिट करने दे रहा है मुझे, एक मिनट. अगर मैं यहाँ से ईमेल हटा दूँ तो क्या मुझे नंबर पर सबमिट करने देगा ये, देख लेते हैं. 1 2 3 सबमिट, हाँ करने दे रहा है. वेल अब ये ना स्कीमा जो है ना आपका, वैलिडेशन स्कीमा, ये यप की लाइब्रेरी है. अब यप की लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने. ठीक है देखो, ये इन्होंने कुछ बना के दिखाया हुआ है. इन्होंने बोला भाई एज लेना है ना आपने, आप बोलो यप डॉट नंबर डॉट रिक्वायर्ड डॉट पॉजिटिव डॉट इंटीजर. माइनस में नहीं दे सकता बंदा, माइनस में देगा एरर आ जाएगा. ठीक है, वेबसाइट आपने इनपुट लेनी है, आप बोलोगे यप डॉट स्ट्रिंग डॉट यूआरएल. ठीक है, अच्छा अगर मैं बोल देता ना यप डॉट नंबर डॉट रिक्वायर्ड, तो फिर मुझे वो शायद टेक्स्ट पे वो ना देने दे इनपुट. तो इन्होंने ना ये सारी एग्जांपल यहाँ पे बना के बताई भी है. अब इसमें क्या क्या कुछ हो जाता है वो यप के ऊपर है. अब यप में जो जो कुछ होता है ना वो सब आप कर सकते हैं. ये देखो इसमें क्या क्या कुछ मौजूद है, स्ट्रिंग के ऊपर क्या क्या हो सकता है. देखो स्ट्रिंग के रिक्वायर्ड हो सकता है, लेंथ हो सकता है, स्ट्रिंग डॉट मिनिमम, स्ट्रिंग डॉट मैक्सिमम, स्ट्रिंग डॉट मैचेस, स्ट्रिंग मस्ट मैच दैट. तो उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते हैं आप, जैसे होता है ना पासवर्ड का एक रेगुलर एक्सप्रेशन, वो दे सकते हैं आप. ठीक है, स्ट्रिंग डॉट ईमेल, स्ट्रिंग डॉट यूआरएल, स्ट्रिंग डॉट यूयूआईडी, स्ट्रिंग डॉट ट्रिम. ट्रिम का मतलब होता है आगे और पीछे के स्पेस को हटा दिया जाए, अगर शुरू और आखिर में कोई स्पेस है तो. स्ट्रिंग डॉट लोअर केस, स्ट्रिंग डॉट अपर केस. ठीक है, ईमेल हमेशा मुझे लोअर केस में चाहिए होता है. नंबर के साथ क्या क्या लग सकता है, मिन, मैक्स, लेस देन, मोर देन, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, ट्रंकेट, राउंड, एक्स वाई जी. ट्रंकेट का भी मतलब वही होता है, दोनों साइडों से जीरो हटाने होते हैं. मिसाल के तौर पर किसी ने 001 लिखा है ना, तो शुरू के दो जीरो हटा देगा वो.
एंड में जीरो तो नहीं हटा सकते। वैलिडेशन स्कीम आप किसी दूसरे में भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली यप का एग्जांपल दिया हुआ और यप है भी बड़ा आसान, तो आप ये यूज़ कर लें ज़्यादा बेहतर है। जी भाई देखो ये मैंने स्कीमा बनाया ना, ये जर्नल पर्पस स्कीमा है, ये जर्नल पर्पस स्कीमा है। असल में ये क्या करता है, आपको एक जर्नल पर्पस स्कीमा बना के दे देता है। ये यप और भी चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है, सिर्फ फॉर्मिक में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो अब ये स्कीमा बना के इधर इसको पास किया हुआ है, देख लो। अच्छा मैं पूरा यहाँ भी बना सकता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, इसको मैं कट करके वहीं पर बना दूँ पूरा, एक ही बात है, मैं इधर ही बना दूँ इसको, ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। हाँ हाँ कोई भी नाम रखो इसका, मैंने नीचे ही बना दिया ना, देखो मसला ही हल कर दिया। अब इनिशियल वैल्यू है, वैलिडेशन स्कीमा है, ऑन सबमिट है, तीन चीज़ें हैं, सीधा ही कर दिया इसके अंदर मैंने, ऊपर वाले मसले हल कर दिए मैंने, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी। ये हाँ फंक्शन है ना, ये इनिशियल वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, वैलिडेशन स्कीमा एक स्कीमा है एक्चुअली, ठीक है। इसको मैं नीचे वाली लाइन में लाऊंगा तो ज़्यादा सही दिखेगा, ये स्कीमा है, वैलिडेशन स्कीमा, और ये ऑन सबमिट जो ये फंक्शन है, और ये पूरा का पूरा यूज फॉर्मेट का हुक है। खाली रखा हुआ है मैंने, हाँ नहीं इनिशियल वैल्यू तुम ये कह रहे हो उड़ा दूँ, अगर मैं पूरा ही उड़ा दूँ तो मसला नहीं है कोई, खाली रहेगा वो आ जाता है, कुछ भी नहीं हुआ, सेट है बिल्कुल। अरे नहीं भाई इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी हमें, नहीं नहीं इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, उड़ा नहीं सकते हम, हाँ इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी भाई हमें। वेल देखो लाइब्रेरी जो इस्तेमाल होती है ना, वो लाइब्रेरी वाला बताता है कि भाई ऐसे इस्तेमाल होगी, ये हम शुरू में ही देख चुके हैं, लाइब्रेरी को कैसे इस्तेमाल करना है वो लाइब्रेरी वाला बताता है। अच्छा अब हमारा जो केस था वो तो हम बीच में ही रह गया ना, हमारा केस क्या था, वेदर ऐप थी ना हमारी, ये तो हमने क्या करना है, एक सिटी का नाम लिखना है, सिटी का नाम तीन कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, तो हम अपने मतलब की तरह वैलिडेशन जल्दी से लगा लें, क्या ख्याल है, फिर ख़त्म करते हैं क्लास हम। अच्छा तो हमारे केस में यहाँ पे ना सिर्फ सिटी नेम होगा, या इसको ऐसे ही रहने दो, हाँ नहीं नहीं नीचे बनाना पड़ेगा मुझे भाई, ठीक है सिटी नेम कर दिया मैंने, सही है, मुझे एक ही चाहिए, मुझे दूसरा वाला ये इनपुट बॉक्स नहीं चाहिए, दूसरे वाले इनपुट बॉक्स को मैंने उड़ा दिया, ठीक है मुझे सिर्फ एक इनपुट बॉक्स चाहिए, राइट। अच्छा अब सिटी नेम जो होगा मेरा उसकी जो वैलिडेशन होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड होगा और डॉट मिनिमम जो होगा ना वो क्या होगा, थ्री होगा मिनिमम, ठीक है। प्लीज एंटर मोर देन थ्री, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई मतलब सिटी का नाम तीन कैरेक्टर से कम का नहीं होगा, जस्ट एक हम एग्जांपल कर रहे हैं कि ठीक है भाई हमने एक लिमिट लगा दी कि तीन से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा और मैं क्या बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ डॉट मैक्स, ठीक है डॉट मैक्स कितना लगा दूँ मैं, मैंने कहा भाई 20 कैरेक्टर से ज़्यादा भी नहीं कर सकते आप, ठीक है प्लीज़ एंटर विद इन 20 कैरेक्टर्स, ठीक है पासवर्ड तो है ही नहीं ना हमारा, ठीक हो गया। तो अब मैं अगर इसमें दो कैरेक्टर लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ तो ये क्या देगा मुझे एरर, प्लीज़ एंटर मोर देन थ्री कैरेक्टर्स, मैंने कहा के ए आर खुद ही सेट हो गया कराची और सबमिट, तो यहाँ पे सिटी नेम मेरे पास कराची लिखा हुआ आ गया। अब ये सिटी नेम कराची का मैंने आगे क्या करना है, आगे मैंने इसकी API कॉल कर देनी है, ठीक हो गया।
इसकी मैंने API कैसे कॉल कर देनी है, मैंने कट किया ये सबमिट हैंडलर में से पूरा का पूरा, ठीक है, सबमिट हैंडलर में से कट करके मैंने ये हमारे ऑन सबमिट के अंदर पूरा पेस्ट कर दिया, सही हो गया। और वैल्यूज डॉट करके मुझे अब ये मिलेगा सिटी नेम, राइट, वैल्यूज डॉट सिटी नेम करके अब मुझे ये मिल रहा होगा, ऐसा ही है ना, और ये गेट करेगा वेदर और वापस लाके रिस्पॉन्स सेट वेदर में रखवा देगा। कराची लिखा मैंने, सबमिट किया, ये वेदर मेरा नीचे आके प्रिंट हो गया। तो ये काम हमने अब किसके साथ किया, फॉर्मिक के हुक के साथ किया, और फॉर्मिक के हुक को हमने अच्छी तरह से आज एक्सप्लोर किया है। मज़ीद कोई भी चीज़ सीखनी हो फॉर्मिक हुक में तो वो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से आप आके उसको मज़ीद भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मिक वाला हुक था हमारा, अच्छा ये स्टेट वेरिएबल की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, उसको मैंने हटा दिया। ये तीनों चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं थी अलग से, जो मैंने किया हुआ था उसको हटा दिया। पोस्ट की भी ज़रूरत नहीं थी मुझे, यूज़ इफेक्ट तो वैसे ही नहीं है मुझे, जो जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी उसको मैंने हटा दिया, ठीक हो गया जी। वैलिडेशन स्कीमा ऑन सबमिट इनिशियल वैल्यू, ठीक है। ये पुराना वाला जो हैंडलर फंक्शन था इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये भी मैंने हटा दिया। ये पुराना वाला जो मेरे पास फॉर्म बना हुआ था चुन्ना मुन्ना सा, इसको भी मैंने हटा दिया। ये फोल्डर क्योंकि मैंने कॉपी किया था ना इससे पहले वाले से, मैं कॉपी किया था फोल्डर ये मैंने, तो इससे पहले वाले फोल्डर में ये कोड स्टिल सेव है पुराना वाला जो है, ठीक है। डोंट थिंक कि ये पूरा का पूरा उड़ा नहीं है, हाँ। इतना मुश्किल तो नहीं था यार, आसान था। आती कहाँ गई, मैंने दो बताया, फॉर्मिक दो तरह से यूज करना बताया है। नंबर एक अपना टैग इनका लगा के बताया, ठीक है, और नंबर दो इनका ना ये यूज़ फॉर्मिक करके बताया है, दोनों तरीके बताए हैं मैंने। जो सेकंड वाला अभी जो किया है लास्ट में, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, ये हम कंटिन्यूसली अब यूज़ करेंगे क्लास में। वो टैग लगा के जो कर रहे थे वो भी सही है, उसमें बस वैलिडेशन नहीं मिलती आपको, उसमें फ़ायदा क्या होता है वैल्यूज़ थोड़ा ईजिली मिल जाती है आपको, इसमें वैलिडेशन भी आपको मिल गई अच्छे से, ठीक है, ऐसा ही है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, असाइनमेंट तो पूछ के जाओ क्या है। फॉर्म नहीं बनाना है, एक हमें जो है ना एक वो चाहिए, साइनअप का एक प्रॉपर फॉर्म बना के लाओगे फॉर्मिक के साथ, ठीक है, एक साइनअप का प्रॉपर फॉर्म बना के लाओगे फॉर्मिक के साथ, उसमें 5, 6, 10 जितनी वैल्यूज होती है ना, ईमेल, पासवर्ड, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, और सबके ऊपर प्रॉपर वैलिडेशन लगी भी होनी चाहिए। URL भी इनपुट ले रहे हो, वेबसाइट भी ले रहे हो, फ़ोन नंबर भी ले रहे हो, प्रॉपर सब पे वैलिडेशन, मैं सब पे लगा के चेक करूँगा वो रेड कलर का एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सेव कहाँ, डेटा बेस में नहीं, नहीं बस वो फॉर्म बना लो फिलहाल के लिए, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम डेटा बेस पढ़ेंगे। हमने चीज़ है फायर बेस का फायर स्टोर।